गुड मॉर्निंग क्लास, टुडे इज योर इंग्लिश कम्युनिकेटिव क्लास। लास्ट क्लास में बेटा हमने इंग्लिश ग्रामर पढ़ा था, आज वापस हम हमारी इंग्लिश कम्युनिकेटिव की बुक का वर्क स्टार्ट करेंगे। टुडे वी विल रीड चैप्टर 4। द नेम ऑफ द चैप्टर 4 इज द थीफ। ओके, थीफ मीन्स होता है चोर। यहाँ पर एक कहानी है, एक स्टोरी है जिसमें ये बॉय ने क्या की है ना, जो बर्ड्स के एग होते हैं ना उनकी चोरी की है। ठीक है, तो उसके ऊपर आपको ये स्टोरी दी हुई है। नाउ वी विल स्टार्ट आवर स्टोरी। इट वॉज अ संडे मॉर्निंग। ठीक है, एक दिन संडे मतलब रविवार की सुबह थी। आफ्टर ब्रेकफास्ट, नाश्ता करने के बाद मनु वॉक्ड आउट ऑफ हिज हाउस। ठीक है, जो मनु है इस बॉय का नेम है, आपको यहाँ पर ये बॉय दिख रहा है येलो टी शर्ट में। हीज नेम इज़ मनु। जो मनु है वॉकड आउट ऑफ हिज हाउस, अपने घर के बाहर घूम रहा था। ही वॉकड अक्रॉस द फील्ड्स टू द रिवर। ठीक है, वह नदी के किनारे जो जगह होती है, जो फील्ड होता है, वहाँ से गुजर रहा था, अक्रॉस हो रहा था। ऑन द रिवर बैंक देयर वॉज अ बिग मैंगो ट्री। रिवर बैंक मतलब होता है, रिवर मतलब होता है नदी, और बैंक मीन्स होता है किनारा। तो नदी का जो किनारा है, नदी के किनारे पर एक बहुत बड़ा मैंगो ट्री था, आम का पेड़ था। मनु क्लाइम्ड अप द ट्री। मनु ने क्या किया, पेड़ पर चढ़ा। ठीक है, इधर देखो पिक्चर में ना, ये पेड़ के ऊपर चढ़ गया। ही सॉ अ बर्ड्स नेस्ट। अब उसने पेड़ पर क्या देखा, पक्षी मतलब बर्ड्स, वह चिड़िया होगी, एक चिड़िया का घोंसला देखा। इट वॉज एट द एंड ऑफ अ ब्रांच। वो जो घोंसला था वो बिल्कुल जो ब्रांच है ट्री की, जो शाखा है उसके एकदम कहाँ पर था बेटा, किनारे पर था ना, बिल्कुल उसके लास्ट में था। द ब्रांच वॉज हाई अबव द वाटर। और ये जो ब्रांच दिख रही है ना, इसमें नीचे आप, इसके नीचे आप फोटो देखो, ठीक है, उस वहाँ नीचे आपको पानी दिखेगा, बिल्कुल यह सबसे ऊपर पानी के ऊपर बहुत ऊंचाई पर थी ये जो ब्रांच है। मनु सॉ टू ब्राउन एग्स इन द नेस्ट। अब मनु ने इस नेस्ट में क्या देखे, दो ब्राउन कलर के अंडे। ही टुक द एग्स एंड पुट देम इन हिज पॉकेट। उसने क्या किया, अंडों को ले लिया, अंडों को उठाया और अपने पॉकेट में रख लिया। देन ही स्टार्टेड क्लाइंबिंग डाउन। और फिर वह वापस कहाँ नीचे आने लगा, डाउन मतलब नीचे, नीचे उतरने लगा। ही पुट हिज फुट ऑन द ब्रांच बिलो। जैसे ही उसने अपना जो पैर है वह ब्रांच पर नीचे की तरफ रखा, और शाखा पर नीचे की तरफ रखा, बट ही स्लिप्ड एंड फेल्ट इनटू द रिवर। लेकिन उसका जो पैर है वो फिसल गया, और वह कहाँ पर गिर गया, नदी में। ठीक है, उसका पैर फिसला और वो कहाँ गिरा, बिल्कुल नदी में जाके गिर गया। नाउ इन द रिवर देयर वॉज अ बिग क्रोकोडाइल। है ना, अब क्या हुआ, नदी में क्या था, एक बड़ा सा मगरमच्छ। क्रोकोडाइल मीन्स क्या होता है, मगरमच्छ। इट कॉट मनुज लेग। कॉट मतलब होता है पकड़ना, उसने मनु के पैर को क्या कर लिया, पकड़ लिया। मनु गेव अ क्राई ऑफ पेन। मनु दर्द से जोर जोर से रोने लगा और चिल्लाने लगा। द क्रोकोडाइल पुल्ड हिम डाउन अंडर वाटर। अब क्रोकोडाइल उसको खींच कर कहाँ ले गया, पानी के अंदर, नीचे ले गया। नो नॉइज कम आउट ऑफ मनुज माउथ। मनु के मुंह से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी बिल्कुल भी। ठीक है, वो उसको कहाँ खींच के ले जा रहा था, पानी के अंदर खींच के ले जा रहा था। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो, देखो उसके मुंह में मनु का पैर है और वो उसको खींच के बिल्कुल पानी के अंदर ले जा रहा है। द क्रोकोडाइल पुल्ड मनुज डाउन एंड डाउन एंड डाउन। उसने उसके पैर को पकड़ा और उसको खींच के नीचे 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 और नीचे की तरफ ले जा रहा था। एट लास्ट मनु सॉ अ बिग पैलेस। ठीक है, अब लास्ट में मनु को क्या दिखा, एक बड़ा सा महल दिखा अंदर, नदी के अंदर जाके। एन एंग्री किंग सेट ऑन अ थ्रोन। एंग्री मतलब वहाँ एक राजा बैठा था बिल्कुल गुस्से में, पत्थर के ऊपर, एक बड़ा सा पत्थर था, उसको एक महल दिखा और महल के अंदर एक बड़े से थ्रोन मीन्स होता है कि सॉरी सिंहासन, एक सिंहासन था,
सिंहासन पर कौन बैठा था? एक बड़े गुस्से में एक राजा बैठा था। यू आर अ थीफ, है ना, उसने क्या कहा कि तुम क्या हो, चोर हो। सेड द किंग, राजा ने कहा, यू स्टॉल द पुअर बर्ड्स एग्स, तुमने एक बिचारी चिड़िया के अंडों को क्या किया है, चुराया है। स्टॉल मतलब चोरी करना, चुराया। आई विल पनिश यू, मैं तुम्हें सजा दूंगा। मनु ट्रेम्बल्ड इन फियर, अब मनु क्या हो गया, घबरा गया, ठीक है, वह बिल्कुल डर से भर गया, डर से क्या हो गया, घबरा गया कि अब तो मुझे ये राजा क्या देने वाला है, सजा देने वाला है। ही कुडंट स्पीक अ वर्ड, उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला, वह कुछ नहीं बोला, बिल्कुल चुप हो गया। ओ क्रॉक सैड द किंग, ठीक है, राजा ने क्रोकोडाइल से कहा, ओ क्रॉक गिव दिस थीफ 20 lashes ऑन हिज बैक विथ योर टेल, राजा ने कहा कि मगरमच्छ इस चोर के बैक साइड में, पीछे की साइड में तुम अपनी पूंछ से इसको 20 बार मारो, ठीक है, 20 lashes 20 कोड़े मारो, ठीक है, किसी रस्सी से या फिर किसी चीज़ से मारना तो उसको कहा जाता है कि लैशेस। तो उन्होंने क्या कहा कि तुम तुम्हारी पूंछ से इसके बैक साइड पर 20 times क्या करो, इसको मारो। द क्रोकोडाइल मूव्ड फॉरवर्ड, अब क्रोकोडाइल मुड़ गया पीछे की तरफ उसकी साइड। इट लिफ्टेड इट्स टेल टू स्ट्राइक एट मनुज बैक, ठीक है, उसने अपनी पूंछ को उठाया, अपनी टैल को उठाया और मनु के बैक साइड में क्या करने लगा, मारने लगा। अ शार्प क्राई कैम आउट ऑफ मनुज माउथ, ठीक है, मनु के मुंह से बहुत जोर से रोने की आवाज आई। जस्ट देन मनु वोक अप, और मनु क्या हो गया, उसी टाइम उसकी नींद खुल गई, वह क्या हो गया, जाग गया। इट वॉज ओनली अ ड्रीम, ये तो सिर्फ क्या था, एक सपना था। देखो इधर फोटो में कितना डर से भरा हुआ और एकदम से उसकी नींद खुली, बट बेटा ये क्या था, एक सपना था, जस्ट अ स्टोरी। लेकिन इस स्टोरी से हमको क्या मॉरल मिलता है, हमको क्या शिक्षा मिलती है कि हमको कभी भी चोरी नहीं करना है, क्योंकि हम चोरी करते हैं तो कोई ना कोई तो हमको ज़रूर देखने वाला होता है, ठीक है, हमको कभी भी चोरी, हमको ये बैड हैबिट इम्प्रूव नहीं करना है, गंदे काम हमको बिल्कुल नहीं करना है। तो आज हम इस चैप्टर को यहीं तक पढ़ेंगे, आपका चैप्टर रीडिंग कंप्लीट हुई, आप बहुत अच्छे से इस चैप्टर को रीड करेंगे और वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, ओके, थैंक यू।